Welcome to our channel V-Stars. Hello everyone, we are again back here. हम लोग वापस आ चुके हैं सिविल पेपर 6 का आंसर की लेकर के, और आप लोग के आसानी के लिए सारा इसका डिटेल एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग आंसर देखते जाएंगे और जहां जरूरत पड़ेगा वहां पर हम लोग इसका सॉल्यूशन भी करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हम लोग का, उसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग का कि विड्थ ऑफ कैरेज वे रिकमेंडेड बाय द आईआरसी फॉर टू लेन रोड विथ रेज्ड कर्व। रेज्ड कर्व क्या हुआ, ये कैरेज वे हो गया और ये हमारा ऐसे अब रोड हो गया, कर्व हो गया, और यहाँ फुटपाथ या कुछ भी रहता है। तो रेज्ड कर्व के साथ, तो रेज्ड कर्व के साथ जो हम लोग का टू लेन है वो 7.5 होता है, और बिना रेजिंग के जब रेज्ड कर्व नहीं रहता है तो 7 होता है। तो सही जवाब क्या है, 7.5। आगे बढ़ते हैं। While aligning a road in hilly area with rolling gradient and a horizontal curve of radius 60 meter is encountered by the compensated gradient at the curve. इसका compensating gradient निकालेंगे और जो इसमें से 6.5 में से घटाएंगे तो आ जाएगा हम लोग का 7.25। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the PCU value of block cut as per IRC recommendation? तो IRC recommendation में हमारे जो block cut का जो value दिया हुआ है वो है 6। तो इसमें दो answer ज़्यादा probable है सही होने का, एक 7 और दूसरा 8। 8 है big block cut के लिए। तो यहाँ सिर्फ mention किया गया है हमारा block cut, तो इसका answer 6 होगा। बट अगर एवरेज 6 और 8 का हम लोग लें तो 7 कर सकते हैं, बट ये जस्ट है हम लोग का प्रेडिक्शन होगा, ये आंसर डाउटफुल है। वन पैसेंजर ऑफ एन ओवरलोडेड व्हीकल विद 3 times द स्टैंडर्ड लोड विल कॉज डैमेज इक्विवेलेंट टू एन पैसेंजर ऑफ स्टैंडर्ड लोड। Here n is equal to, say, correct answer is 81। एक डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ दिया है सर्कुलर लोड के लिए, फॉर ए रेडियस ऑफ ए यूनिफॉर्म प्रेशर पी अप्लाइड इन द सरफेस ऑफ होमोजीनियस लेयर द वर्टिकल स्ट्रेस जेड अंडर द सेंटर ऑफ द लोड एट अ डेप्थ जेड इज गिवन बाय सिग्मा जेड इज इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 - z³ बाय ए स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का पावर 1.5। बी सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। सिक्स का सही जवाब है सी। 1 का क्या होगा, बेसिक कैपेसिटी होगा जो कि पॉसिबल टू अटेंड होता है। पॉसिबल कैपेसिटी क्या है, तो ये आर है, और ट्रैफिक फ्लो क्या होता है, इट इज नंबर है, नंबर होता है ट्रैफिक फ्लो, नंबर ऑफ व्हीकल मूविंग इन स्पेसिफिक डायरेक्शन ऑन ए गिवन लेन ऑफ ए रोडवे दैट पासेस ए गिवन पॉइंट और क्रॉस सेक्शन ड्यूरिंग ए स्पेसिफाइड यूनिट टाइम। तो इस तरह सी आंसर हम लोग का करेक्ट हो जाता है। ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, इसका सही आंसर 7 का ए है। इसी तरह 8 भी एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, ये आपको याद ही रखना पड़ेगा। नेक्स्ट, ये भी एक फॉर्मूला है हम लोग का लॉजिस्टिक कर्व का, तो इसका सही आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पूछा गया है अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड कोड ऑफ प्रैक्टिस द मिनिमम लोकल डोमेस्टिक कंजम्पशन फॉर ए टाउन ऑफ और ए सिटी विथ फुल फ्लरिश सिस्टम शुड बी
taken in terms of liter per head per day, liter per hour per day as. बहुत लोग को लग रहा होगा 135 इसका सही जवाब है फर्स्ट नज़र में, लेकिन ये गलत है। सही जवाब है 200, क्योंकि यहाँ पे फुल फ्लश सिस्टम के लिए कह रहा है जिसमें कोई कॉन्स्ट्रेंट नहीं है फ्लो में। ऑल हैंड ऑपरेटेड पंप का सही जवाब है रेसिप्रोकेटिंग पंप। रेसिप्रोकेटिंग पंप कैसे होता है, तो ऐसे टाइप से होता है, एक यहाँ पे, यहाँ पे एक इन रहता है, ये आउट हो जाता है, और यहाँ पे एक बल्ब लगा रहता है इस तरह का अंदर की ओर, इसमें इस तरह का अंदर की ओर लगा रहता है, इसमें इधर लगा रहता है। जब यहाँ पे एक प्लंजर रहता है, प्लंजर ये जब खींच, ये इसका प्लंजर हो गया और ये इधर उधर मूवमेंट करता है, तो ये रेसिप्रोकेटिंग पंप हो गया। इन होता है यहाँ से, और यहाँ से प्रेशर जब इधर जाता है तो अंदर फ्लो हो जाता है, और उसके बाद फिर जब ये अंदर की ओर, ये बाहर से फिर अंदर की ओर जाता है तो ये आउट हो जाता है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, ये भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, 12 का ए सही जवाब है। Identify the correct sequence in house water connection. House water connection के लिए सही आंसर इसका सी होगा। सबसे पहले स्टार्ट में फ्यूरल रहता है, उसके बाद गुजने का रहता है, उसके बाद सर्विस पाइप, स्टॉक को, और लास्ट में वाटर मीटर रहता है। मास कर्व डिटरमाइन द स्टोरेज कैपेसिटी। मास कर्व जो होता है, इस तरह का ग्राफ होता है, ये इस तरह का, ये यहाँ पे ऐसे, ये एक्स्ट्रा हो गया डिमांड, और ये एक्स्ट्रा ये हो गया, तो इनफ्लो डाटा और डिमांड डाटा का यूज किया जाता है इसमें मास कर्व में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द रॉन्ग एम्पिरिकल फॉर्मूला फॉर कंप्यूटिंग पीक ड्रेनेज डिस्चार्ज। तो डिकेंस फार्मूला यूज होता है हमारा, राइट्स फार्मूला यूज होता है एम्पिरिकल, ये दोनों एम्पिरिकल है, और नवाबगंज जो कि आपका मुंबई रीजन, डेक्कन रीजन में यूज होता है, लेकिन वेन टाउचाओ फार्मूला यहाँ इंडिया में एम्पिरिकल में नहीं यूज होता है, तो ये आपका सही जवाब है, विंग वन इज रॉन्ग। उसी तरह का फॉर्मूला, ये भी एक फॉर्मूला है, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोलिक फॉर्मूला इज नॉट यूज टू डिटरमाइन फ्लो वेलोसिटी इन सीवर और ड्रेनेज। सही जवाब है ए, और नॉट फॉर्मूला। कटर क्रीम ये सब यूज होता है। ट्रिकलिंग फिल्टर, ट्रिकलिंग फिल्टर कम, इसमें बताना है कौन सा सही जवाब है। ट्रिकलिंग फिल्टर, ट्रिकलिंग फिल्टर, ट्रिकलिंग फिल्टर क्या होता है, एक इस तरह का होता है बेड, इसमें स्टोन चिप्स रहते हैं, और सेंटर से एक ये इस तरह का एक हिंज निकला रहता है, इसमें से वाटर फ्लो होता है, जो कि इसमें, इसमें ये स्टोन रहता है, इसी के ऊपर एक लेयर, ऑर्गेनिक लेयर का फॉर्मेशन होता है, जो कि जब इसे पास करता है तो इसमें इसका फ्लो के दौरान इसका प्योरिफिकेशन करते हैं। तो ट्रिकलिंग फिल्टर कंसिस्ट ऑफ ए बेड ऑफ क्रस्ट स्टोन ग्रेवल और स्लैग रिलेटिव लार्जर साइज, तो स्लैग ऑफ रिलेटिव स्लैग लार्जर साइज सही, कोई सही है। एज सीवेज पासिस थ्रू द फिल्टरिंग मीडिया ऑफ द ट्रिकलिंग एन ऑर्गेनिक फिल्म इज फॉर्म्ड अराउंड द पार्टिकल ऑफ द फिल्टरिंग मीडिया। तो करेक्ट जवाब है, दोनों सही है, बोथ करेक्ट। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन डाउटफुल है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट और स्टेटमेंट फ्रॉम द प्रैक्टिकल एंड टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसमें हम लोग अभी, इसमें से कोई सा भी जवाब सही नहीं है, तो हम लोग डी को प्रीफर करेंगे, बाकी इसका हम आयोग क्या देता है उसको देखेंगे, और आप लोग भी कमेंट कीजिए इसका जवाब, अगर आप लोग को पता है तो क्या इसका सही होगा। एलिमेंट्री प्रोफाइल कंक्रीट डैम का एक ट्रायंगुलर होता है,
यहाँ पे वेट इस तरह लिया जाता है, ये इसका एक फोर्स इधर लगता है ये वाटर प्रेशर के कारण, यहाँ से अपलिफ्टिंग। तो ये बेसिक एलिमेंट्री प्रोफाइल ऐसा होता है, राइट एंगल ट्रायंगल ए होगा। कलवट क्या है? तो कलवट एक ऐसा ब्रिज है जिसका स्पैन जो है 6 मीटर से कम होता है, रिस्ट्रिक्टेड है। 6 मीटर से कम यानी छोटा ब्रिज हुआ, तो वो अप टू 6 को उसमें कलवट बोलते हैं। नेक्स्ट, एक वियर और जो बराज होता है, दोनों का डिफिनीशन का डिफरेंस पूछा है इस क्वेश्चन में। वियर इज हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर वेयर मेजोरिटी और द एंटायर पॉन्डिंग इज अचीव बाय रेजिंग रेज्ड कॉर्क और स्मॉल पार्ट और नील पार्ट ऑफ द सट बाय द सटर्स। तो ये सही है। उसके बाद वियर इज अ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर दैट इज मेड बाय कंस्ट्रेनिंग द विड्थ ऑफ द चैनल ओनली। नहीं, ये गलत है। बराज इज ए हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर दैट इज मेड बाई क्रिएटिंग ए चोकिंग कंडीशन ओनली। ये भी गलत है। बराज इज ए हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर वेयर मेजोरिटी और द एंटायर पॉन्डिंग इज अचीव बाई सटर एंड स्मॉलर पार्ट और न्यू पार्ट बाई रेज गैस। ये सही जवाब है। तो इसका आंसर हम लोग देखें, पी और एस होगा। पी और एस क्या है? डी। डी सही है इसका। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्क एक्सक्लूडर आर कंस्ट्रक्टेड। सिल्क एक्सक्लूडर जो है वो कहाँ कंस्ट्रक्ट होता है, वाइल्ड सिल्क इजेक्टर कहाँ कंस्ट्रक्ट होता है? तो सिल्क एक्सक्लूडर रिवर बेड पे होता है, ऑन द बेड ऑफ द ऑफ टेकन कैनाल। ऑफ टेकन कैनाल के पास सिल्क एजेक्टर रहता है। इसका सही जवाब है बी। इस बीच हम एक और सूचना देना चाहते हैं आप लोग को कि एडवर्टीजमेंट नंबर 3/2019 जिसमें MWRD का सीट है, ये एग्जाम का एडमिट कार्ड आ गया है। आप लोग जो लोग भी ये भरे हैं वो जाके डाउनलोड कर लें और एग्जाम में अटेंड करें। पेपर इसी तरह का आएगा, 1/19 की तरह ही आएगा, जिसमें आपको सिर्फ 2 क्वालिफाइंग पेपर होगा और 4 पेपर जो आपका मार्क्स कैलकुलेट होगा, 1/19 की तरह ही सेम होगा 3/19। तो आप लोग अब प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए और जो हम बता रहे हैं इसकी को भी ध्यान रखिए। कुछ क्वेश्चन सेम टू सेम रिपीट हो जाते हैं, कॉन्सेप्ट सेम रहता है, वर्ड्स डिफरेंट रहते हैं। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। तो P% अर्थ डैम फेलियर आर ड्यू टू हाइड्रोलिक फेलियर, Q% इज ड्यू टू द डैम फेलियर, अर्थ डैम फेलियर और ड्यू टू सीपेज फेलियर के कारण होता है, और तीसरा स्ट्रक्चरल फेलियर। तो डैम वगैरह में आप जनरली देखेंगे कि जो प्रैक्टिकल अप्रोच से देखा जाएगा कि सबसे ज़्यादा जो फेलियर होता है वो P यानी हाइड्रोलिक फेलियर होता है, उससे कम क्या होता है Q सीपेज फेलियर, और सबसे कम जो होता है वो स्ट्रक्चरल फेलियर होता है R। इस ऑर्डर में अगर हम लोग देखते हैं, अगर इस ऑर्डर से कंक्लूड करना चाहते हैं, तो सबसे ज़्यादा P यानी 40 यहाँ पे है, उसके बाद Q 33 और R 25। इस एक अप्रोक्सीमेशन के साथ हम लोग इसका आंसर ये दे सकते हैं। सही चुनना है द। तो आप साइफोन एक्वाडक्ट और सुपर पासेज एंड साइफोन क्या होता है, ये सब का डेफिनेशन अगर आपको पता है तो सही जवाब है इसका बी, ये सब गलत है। इंजीनियर चॉइस, ये दोनों तो रॉन्ग ही था, इसी दोनों में आप लोगों को कंक्लूड करना था कि कौन सा सही है। तो सही जवाब है बी। नेक्स्ट, द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ए मॉड्यूल इज डिफाइंड बाई, फ्लेक्सिबिलिटी क्या डिफाइंड होता है? फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ए मॉड्यूल, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज ऑफ द आउटलेट बाई रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल। तो इसका सही जवाब है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
लाइसीमीटर किस चीज के लिए यूज होता है? तो लाइसीमीटर इवेपोट्रांसपिरेशन के लिए होता है। व्हाट आर द लोअर एंड अपर लिमिट ऑफ कैचमेंट फॉर एप्लीकेशन ऑफ द यूज ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ? कहाँ से कहाँ एप्लीकेबल होता है यूनिट हाइड्रोग्राफ? जो कोई भी कैचमेंट होता है, इसमें यहाँ पे फ्लो हुआ, ये इसका ड्रेनेज हुआ, तो ये जो यूनिट हाइड्रोग्राफ इसका प्लॉट होगा, तो ये जो मिनिमम एरिया है ये आपका 200, ये 2 किलोमीटर स्क्वायर से, 2 किलोमीटर स्क्वायर से 5000 किलोमीटर स्क्वायर तक के लिए एक यूनिट हाइड्रोग्राफ का होता है। तो इसके लिए सही आंसर ये होगा। 200 हेक्टेयर को जब कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर में तो 2 किलोमीटर स्क्वायर ही आएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मीटर इज यूज इन रिवर फ्लो मेजरमेंट? रिवर फ्लो में पाइग्राम करेंट मीटर यूज होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर चैनल फ्लो राउटिंग? चैनल फ्लो राउटिंग में मस्किंगम होता है, मस्किंगम मेथड। अब ये ड्यूटी डेल्टा का एक फॉर्मूला लगाइए। ये हो गया आपका डेल्टा इज इक्वल टू 8.64 बेस पीरियड डेज में डिवाइडेड बाय ड्यूटी। इस तरह से हम लोग फाइंड डेल्टा फाइंड करेंगे। इसमें पुट करेंगे बी को 240 और जो ड्यूटी है वो पुट करेंगे 728, तो हमारा आंसर निकल के आएगा 120 सेंटीमीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल्निक क्रीडल फॉर्मूला इज यूज्ड फॉर रिजर्वायर इवोपरेशन। नेक्स्ट, आगे बढ़ने से पहले हम एक बात और बताना चाहेंगे। आप लोग कमेंट सेक्शन में अपने अपने मार्क्स को, जितना भी इस जो भी ये सॉल्यूशन हम दिए हैं तीनों पेपर का, इसके अनुसार आप लोग अपना मार्क्स कमेंट करें, जिससे हम लोग को एक आइडिया, सारे स्टूडेंट को लगता है कि कट ऑफ कितना जाने वाला है। इसलिए आप लोग कमेंट में अपना अपना महत्वपूर्ण योगदान दें, अपना कर्तव्य निभाएं कमेंट करके, कितना मार्क्स आ रहा है आपको पेपर में इस अनुसार आंसर की से कैलकुलेट करने के बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं, 35 क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये भी एक डाउटफुल क्वेश्चन है। इन हाइड इफ द हाइड्रोलिक रेडियस ऑफ ए रिवर इज 2 मीटर एंड लॉन्गिट्यूडनल बेड स्लोप ऑफ द चैनल इज 0.001, व्हाट शुड बी द एक्सपेक्टेड स्मॉलेस्ट साइज ऑफ द सेडिमेंट ऑफ पार्टिकल ऑन रिवर बेड? तो ये एक डाउटफुल क्वेश्चन है, उसको हम लोग, आप लोग बताइए क्या होगा। नेक्स्ट चलते हैं, उसको छोड़ देते हैं अभी कर के लिए। ए नेचुरल रिवर इज कैरिंग कन्वेइंग ए फ्लो ऑफ 2500 क्यूमिक, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वेटेड पेरीमीटर ऑफ द रिवर क्रॉस सेक्शन? सही आंसर है 237.5 मीटर। द मैथमेटिशियन एक्सप्रेस्ड एक्सप्रेशन कॉमनली यूज फॉर स्पेसिंग डिजाइन टाइल ड्रेनेज सिस्टम इज कॉल्ड? तो इसे होता है हुक डॉट इक्वेशन, जो होता है इसे यूज करते हैं। फिर ग्राउंड फ्लो वाटर इज एनालाइज बाय यूजिंग डार्सी लॉ। डार्सी लॉ से हम लोग ग्राउंड वाटर फ्लो कैसे होता है, ग्राउंड वाटर, ये हम लोग ये डार्सी लॉ लगाते हैं। यहाँ पे एक वेल होता है, फिर एक टेस्टिंग वेल क्रिएट करते हैं। इस तरह से हम लोग इसका फ्लो, डिफरेंट जो फ्लो होता है, इस तरह से हर जगह का मेजर करते हैं। इस तरह से कुछ याद होगा आप लोग को, तो डार्सी को ग्राउंड वाटर फ्लो के लिए ही यूज होता है। ये एक बेवकूफ बनाने वाला क्वेश्चन था। एफ इज इक्वल टू 1.76 रूट अंडर डीएम फॉर्मूला होता है डीएमएम। तो ये सही जवाब है, जो कि इसमें कोई नहीं था, 72 था, 75 था, 77 था। सही आंसर है 76, जो कि आंसर इसलिए डी हो जाएगा, नॉन ऑब्वियस। उसके बाद आर्मोरिंग क्या है, आर्मोरिंग का डिफिनेशन क्या है?
हारमोनी का डिफिनेशन हम लोग जो देखते हैं तो वो रिवर्ब में जो नीचे में हमारा ये एक रिवर्ब हो गया, ये एक रिवर्ब का क्रॉस सेक्शन हो गया, और इस क्रॉस सेक्शन में ये वाटर फ्लो कर रहा है, वाटर फ्लो कर रहा है, और नीचे सेडिमेंट है, तो नीचे फाइनर पार्टिकल्स हैं और ऊपर में हमारा कोर्सर पार्टिकल है, ये वाला कोर्स है CORSE, ये बड़े साइज के हैं, ये फाइन है, फाइन है। तो ये क्या हुआ, जब ये कोर्स ऊपर में रहेंगे जब, तो ये वाटर के फ्लो के कारण ये नीचे वाले पार्टिकल को यहाँ से ये इरोड नहीं कर पाएंगे, इसी प्रोसेस को आर्मोरिंग कहते हैं, जिसमें ऊपर में हमारा कोर्स एग्रीगेट या कोर्स पार्टिकल्स रहते हैं, जिसके कारण नीचे का जो फाइन पार्टिकल्स हैं ये हमारा इरोड नहीं हो पाते, और रिवरबेड का ये जो यहाँ से रिवरबेड का जो डिप्लीशन होना था ये डिप्लीशन नहीं होता है, तो इसी प्रोसेस को आर्मोरिंग कहते हैं। लेकिन इसमें ऐसा कोई ऑप्शन दिया है नहीं, जो सबसे क्लोज होगा आर्मोरिंग में वो है, देख लेते हैं हम लोग, द प्रोसेस ऑफ स्ट्रेंथनिंग ऑफ इम्बैक और स्ट्रेंथनिंग द इम्बैकमेंट ऑफ रिवर। तो इम्बैकमेंट हो गया रिवर का साइड वाला ये बैंड, इम्बैकमेंट, तो ये तो नहीं हुआ, इसका तो नहीं हुआ, तो ये कैंसिल हो गया। द प्रोसेस ऑफ सैंड डिपोजिशन ऑन रिवर बेड, तो डिपोजिशन के लिए नहीं है ये, हमारा एक्सकवेशन के लिए, इरोजन के लिए है, तो ये भी गलत हो गया। द प्रोसेस ऑफ बैंक इरोजन ऑफ रिवर, बैंक के इरोजन, ये रिवर का फ्लो है और ये बैंक का इरोजन, तो नहीं, ये बेड का इरोजन से संबंधित है, ये भी नहीं होगा। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्मॉलर साइज पार्टिकल फ्रॉम द रिवर बेड सरफेस लीविंग ओनली द लार्जर साइज पार्टिकल ड्यूरिंग द सेडिमेंट ट्रांसपोर्टेशन, ये थोड़ा बहुत क्लोज आंसर है, इसको हम लोग लेके चलेंगे क्योंकि तीन ऊपर वाले तो कैंसिल आउट ही हो गए, ये थोड़ा बहुत क्लोज है बट ये एग्जैक्ट डिफिनेशन नहीं है आर्मोरिंग का। नेक्स्ट, द जनरल मोबाइल बाउंड्री चैनल कैन बी कंसिडर्ड टू हैव विच ऑफ द फॉलोइंग डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो एक मोबाइल बाउंड्री वाले के साथ एक डेप्थ ऑफ फ्लो होगा, बेड विड्थ होगा, साइड स्लोप होगा और लॉन्गिट्यूडनल स्लोप होगा, चारों होगा। तो ये सही जवाब है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइडेंटिफाई द मोर करेक्ट स्टेटमेंट, अल्टरनेटिंग डेप्थ इज रिलेटेड टू स्पेसिफिक एनर्जी इक्वेशन, सही है, एंड सब्सिक्वेंट डेप्थ इज रिलेटेड टू स्पेसिफिक फोर्स इक्वेशन, तो सही आंसर है ए। आगे बढ़ते हैं, ये भी है करेक्ट स्टेटमेंट। आइडेंटिफाई एट क्रिटिकल फ्लो थ्रू ए चैनल सेक्शन द स्पेसिफिक एनर्जी इज मिनिमम, सही है, एंड द स्पेसिफिक फोर्स इज मिनिमम फॉर ए गिवन डिस्चार्ज, सही जवाब यही है ए। व्हाट इज द क्वालिफिकेशन ऑफ यूनिफॉर्म स्लोप, क्वालिफिकेशन है इसका कि तीनों स्लोप जो है, जो आपका ये हो गया स्लोप ऑफ बेड हो गया, स्लोप बेड हो गया, ये बेड हो गया, ये आपका चैनल का ये हो गया, और टोटल एनर्जी लाइन, टोटल एनर्जी लाइन, ये तीनों आपका पैरेलल हो जाता है, तीनों पैरेलल हो गया, ये आपका हो यूनिफॉर्म फ्लो के केस में। तो स्लोप ऑफ एनर्जी लाइन, स्लोप ऑफ वाटर सरफेस, स्लोप ऑफ चैनल बेड, तीनों पैरेलल हो, इक्वल हो। फ्रॉड नंबर फॉर क्रिटिकल फ्लो इज 1, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट, ए रेक्टेंगुलर ओपन चैनल विथ हैविंग बेड विथ 2 मीटर इज लेड एट स्लोप बेड स्लोप ऑफ 0.009 एंड कैरीज ए फ्लो ऑफ 10 क्यूबिक, वाट इज इट्स नॉर्मल डेप्थ ऑफ फ्लो। तो नॉर्मल डेप्थ क्या होगा, तो इसका ये पहला जो है वो कैलकुलेटर नहीं है हम लोगों पास, इसलिए आंसर नहीं कैलकुलेट कर सकते, ये कह रहा है जो कि गलत है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट रॉन्ग, तो रॉन्ग तो नहीं है, ये तो सही है, लेकिन इसमें कुछ डाटा मिसिंग है इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में, जिसे हम लोग एज्यूम करते हैं, इसलिए आंसर इसका डी होगा। यूनिफॉर्म फ्लो डज नॉट एग्जिस्ट फॉर ए चैनल, यूनिफॉर्म फ्लो एग्जिस्ट करता है, ये भी गलत जवाब, गलत ऑप्शन। ये इक्वेशन पूछ दिया हम लोग से,
डायरेक्ट, तो इसका सही जवाब है डी। इसमें ये देखिए वाई वन यहाँ रहता है, तो यहाँ भी एफ आर वन यहाँ पे रहेगा, सेम सेम। कौन ये भी सिंपल सा क्वेश्चन, डायरेक्ट इक्वेशन पूछा है। सब बहुत क्वेश्चन इसमें, अगर आपको या अगर मेमोरी बेस्ड बहुत ज़्यादा पार्ट है इसमें, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, तो इसका भी अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो सही जवाब है ए। ज़्यादा पूछने और कैलकुलेशन का कुछ नहीं है इसमें, बस आपका थ्योरी पार्ट और फॉर्मूला ये सब क्लियर रहना चाहिए, आपका अच्छा स्कोर कर पाए। इक्वेशन यहाँ भी देखिए फॉर्मूला बोल दिया, क्रिटिकल फ्लो के लिए यूजिंग टर्म्स, तो क्यू स्क्वायर बाई टी डिवाइडेड बाई जी ए क्यूब इज इक्वल टू वन। द मोस्ट इकोनॉमिक क्रॉस सेक्शन ऑफ इज द वन, तो मोस्ट इकोनॉमिक क्रॉस सेक्शन कौन सा रहता है, जिसका जिस क्रॉस सेक्शन का जो ये वेटेड पेरीमीटर है, वेटेड पेरीमीटर ये वाला जो है, ये वाला पार्ट, ये पार्ट वेटेड जो पेरीमीटर है ये क्रॉस सेक्शन का हैविंग मिनिमम होना चाहिए, तो ये हमारा इकोनॉमिक क्रॉस सेक्शन होता है। आंसर बी होगा। थैंक यू। हिट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल वी स्टार्स।